बताए थे कि हमारा भी एक फर्ज है, दोस्त था ही हमारा। वैसे तो हम पूजा पाठ शैतान भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर भगवान है और अगर हम उसके बच्चे हैं तो कोई अपने बच्चों से पाप नहीं करवाता। लाखन, ये परंपरा है ठाकुरों का कि जब भी बड़े कोई फैसला सुनाते हैं, कोई हुकुम देते हैं, तो छोटे उसे सर झुका के मानते हैं जैसे हमने माना। दादाजी ने जो भी फैसला सुनाया वो न्याय के लिहाज से इतना सटीक था कि एक डोल्ड की लाश को सजा देके ऐसे हजार कुत्तों को सजा से बचाया जा सकता था, उनको लाश होने से बचाया जा सकता था। लेकिन आपके लाखन ने फिर वही किया जो हमेशा करता है, अनादर। शांत रहो मिथिलेश, हमें नहीं लगता कि लाखन ने कुछ भी गलत किया। लाखन ने बिल्कुल ठीक किया भैया, किसी मरे हुए इंसान को सजा देना कहां का इंसाफ है। जो बीत गया भूल जाइए। और भूषणवा कमरस बाहर जाइए, हमको मिथिलेश्वर के साथ एक प्राइवेट बात करना है। अपने ही लोग हैं दद्दा जी, कोई मुश्किल नहीं है उनके सामने किसी तरह का बात करने में। कल पंचायत बुला, गुड़िया का फैसला पंचायत के समक्ष होगा। चाहती हो ना तो तुम उनकी निशानी को भूखा कैसे रख सकती हो? क्या ये सब देखकर भैया की आत्मा को शांति मिलेगी? या तुम उसे भी मार देना चाहती हो जो अब तक इस दुनिया में आया ही नहीं? नहीं नहीं ना? तो पियो इसे।